मसीह के सभी को प्रभु आशीष दे। ऐसा अनुभव बहुत से लोगों ने लिया होगा। बहुत से विश्वासियों को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे घर में कोई दुष्टात्मा काम कर रही थी। बेड के पास जब खाते हैं पीते हैं रसोई की तरफ, या जब सोते सोते टाइम कोई दुष्टात्मा छेड़ती थी, कोई कोई सुइयाँ चुबाती थी, कोई डराती थी, ऐसा लगता कोई अगल बगल से होके गुजरा है, या कोई मेरे बेड पर सो रहा था, या कोई मेरे पास बैठा हुआ था, है ना। बहुत बार या ऐसा लगता कि कोई कमरे के अंदर घुसा था, कोई कमरे से बाहर गया था, या कोई मेरे अगल बगल में खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा कोई मुझे देख रहा था, घूर रहा था, या और भी बहुत सारी बातें जो आपने अपनी ज़िंदगी में अनुभव की होगी। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका बहुत आसान है, इसको करके देखना। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु छुटकारे करेगा। आपको पता है कि जब मूसा का टाइम था, मूसा के टाइम पर मूसा ने प्रभु ने मूसा को कहा था, मूसा मेमने के लहू को दीवारों पे लगा दे, दीवारों पे लगा दे, खिड़की दरवाजे चौखटों पे लगा दे, ताकि मौत के दूत तेरे घरों में, इसराइलियों के घरों में एंटर ना करने पाए। सेम वही चीज़ आपको करनी है। सेम कैसे? कहने का मतलब ये नहीं कि किसी को काट मार के खून लगा दिया, नहीं, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में। कैसे? प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु का लहू लगता है वहाँ से अलाय बलाय लांग के जाती है। यीशु के लहू के द्वारा मैं पापों की क्षमा, छुटकारा, शिफा, रिहाई, तरक्की, उन्नति, उद्धार, अनंत काल का जीवन, छुटकारा, पापों की क्षमा मिलता है, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिलती है, बंधनों से छुटकारा मिलता है, वरन और भी बहुत कुछ। यीशु मसीह के खून के द्वारा में क्या सब मिलता है वो हम सब जानते हैं ना। तो उन सब बातों को हमें प्रार्थना में बोलना है और छोटे से उपवास में आने की कोशिश करना है। चाहे आप 10 मिनट के लिए इस बात के लिए करो, बोलो 10 से 15 मिनट प्रभु मैं छोटे से उपवास में आने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश प्रभु मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोटे से उपवास में आने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि मेरे घर का छुटकारा हो। जब मैं अभी लहू छिड़कूँ तो मैं पूरे छुटकारे को देखूँ, जब मैं अभी लहू छिड़कूँ तो मैं मेरे घर में पूरे छुटकारे को देखूँ। इस बात के लिए मैं 15 से 20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए उपवास में आती हूँ। आपको करना क्या है? सबसे पहले पश्चाताप की प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे मेरे पति, मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पति के सभी के पाप क्षमा कर दे, तेरे लहू से हम सभी को धो दे, अब तक कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर, जिस कारण शैतान को अवसर मिला हमें क्षमा कर दे, तेरे लहू से हमें धो दे। पश्चाताप की प्रार्थना जिसमें यीशु के लहू को मांगना, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको घर के अंदर कोशिश करना, थोड़ी देर वर्शिप के साथ प्रेयर करनी है, आराधना के साथ प्रेयर करनी है, आराधना करते करते प्रेयर करनी है, या आप घर में आराधना जब लगाते हो, घर में आराधना चलाते होगे, आराधना चलाते चलाते आपको आराधना सुननी नहीं है, आराधना गानी भी है और आराधना के दौरान ही प्रेयर करनी है। जब आप आराधना के दौरान प्रेयर करोगे, बहुत तगड़ा मसा आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे, मतलब बहुत अद्भुत अभिषेक अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे। बहुत बार मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, आराधना करते करते जब प्रार्थना होती है, गहरा गाढ़ा मसा खुदा का उतरता है, और हम परमेश्वर के जो लोग हैं, जब आराधना में जब हम प्रेयर करते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली हम दृढ़ हो जाते हैं वचनों में, प्रेयर में, मतलब ऑन द स्पॉट की जो मन, मतलब प्रभु ऐसे शब्द देता है प्रार्थना के लिए और हम बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं। सबसे पहले पश्चाताप, दूसरे नंबर पे आराधना में, आराधना के दौरान प्रार्थना, तीसरे नंबर पे है आप प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते एक गिलास लीजिए, गिलास के अंदर साफ पानी रखिए, उसके ऊपर अपना हाथ रखिए और बोले, खुदावन तेरे खून की सामर्थ जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाया है, जिसमें शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आज़ादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, कुवत है, बल है, अभिषेक है, ताकत है और अनुग्रह है, और उस सामर्थ्य लहू की सामर्थ जिसके द्वारा हर दुष्ट के बंधनों से, बीमारियों से, हर दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिलती है, उस लहू की सामर्थ इस पानी के अंदर इसी समय आ जाए। मैं विश्वास से ग्रहण करती हूं कि आ चुकी है, आ चुकी है, यीशु के नाम से मैं मांगती हूं, आमीन। इतना कहकर आपको ना उस गिलास वाले जो पानी है, हल्का सा एक घूंट अपने पी लेना है, घर में कोई है तो उसको पिला देना है, अगर कोई लग रहा है कि विश्वास में नहीं है तो खाने पीने की वस्तु में उसको आप मिला सकते हो, और लेकिन जो बचा हुआ गिलास में पानी है आकर के जब उसने आपने हल्का सा पिया, उसको लेकर घर के अंदर से लेकर बेड पर, जहां जहां आपको कुछ भी लग रहा है, सब जगह छिड़क डालो उसको। घर के अंदर से बाहर छिड़कना है, घर के अंदर से बाहर छिड़कना है, प्रभु तेरे लहू को छिड़कते हो, हर एक अंधकार की शक्ति सताई जाए, तेरे लहू जहां लगता है हमारे शैतान के काम नष्ट होते हैं, गंदी बदबू जलती है, हर एक दुष्ट आत्मा जले और सताई जाए, जले और सताई जाए, जले और सताई जाए, जले और सताई जाए, ऐसी लहू को बोल बोल के, यीशु तेरे लहू को बोलते, तेरे लहू को छिड़कते, तेरे लहू को लगाते, तेरे लहू को छिड़कते, तेरे लहू को लगाते, यीशु के लहू की जाए, यीशु के लहू की जाए, यीशु के लहू को छिड़कते, यीशु के लहू को लगाते, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, अंधकार की शक्ति सताई जाए, जलाई जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। इस तरीके से जब आप छड़कते 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 बाहर चले जाओगे ना, मतलब अपने चौखट तक छड़क दोगे, चौखट पे भी, अपने घर के मेन दरवाजे पर भी आपको छड़क देना है, यीशु तेरे खून का बाड़ा हमारे दरवाजे के अंदर और बाहर चारों तरफ लगाती है। ऐसा कह के हम विश्वास करते हैं प्रभु, जब तेरा खून छिड़का गया हमने पूरे छुटकारे को देखा है और देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे खून के लिए, तेरे छुटकारे के लिए तूने हमारा किया, यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन।
फिर आप उस बचे हुए पानी को, बचे हुए ब्लेस वाटर को, या उस जो जिसको हमने प्रार्थना के द्वारा लहू बोला है, ये लहू है प्रभु का, उसको आप खाने पाने पीने में, नहाने में धोने में, मतलब नहाने में खाने पीने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। खाने में जैसे सब्जी वब्जी बनाते हो उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो, आटा मार देते हो उसमें मिला सकते हो, या पानी वानी पीने की जो बॉटल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला दो, है ना। अगर आपको, और अगर आप ये चीज़ हर 2-3 दिन में करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में छुटकारे को देखोगे। ये आप खुद भी कर सकते हो, ये नहीं कि किसी से दुआ कराओ, खुदा आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा। वो आपका भी प्रभु है, मेरा भी प्रभु है, बड़े अभिषिक्तों का भी प्रभु है। वो सभी अभिषिक्त उस खुदा के सामने घुटने टिकाते हैं और उसी खुदा के नाम से दुआ करते हैं। तो आपके और मेरे लिए खुदा हमारी और आपकी और मेरी दुआ खुदा क्यों नहीं सुनेगा। हमें मनुष्य पर विश्वास नहीं रखना है, नया गिलास लेना है, नई तरीके से ब्लेस करना है, उपवास में आकर ही ब्लेस करना है। चाहे 15 मिनट का उपवास रखो, पहले नंबर पे प्रार्थना करनी है पश्चाताप की, हम सभी के लिए पश्चाताप करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको आराधना के साथ प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु के नाम से एक दुष्ट आत्मा सताई जाए, जलाई जाए, छोड़े हमारे घर को, छोड़े हमारे बिस्तर को, छोड़े हमारे तन मन धन को, जाए मैं आज्ञा देती हूँ, घुड़कती हूँ, डांटती हूँ, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मतलब जैसे आपको प्रेयर करनी है, फायर डिलीवरेंस प्रेयर करनी है, अथॉरिटी वाली, ध्यान रखना। जैसे यीशु दुष्ट आत्मा को बोलने भी नहीं देता था और डांट डांट कर निकालता था, यहाँ तक कि उसने बुखार को भी डांटा है। लिखा है जब पतरस की, शायद पतरस की सांस को बुखार चढ़ गया था, तो यीशु मसीह ने ज्वर को डांटा, बुखार को डांटा, और उसी समय बुखार उतर गया, और लिखा उसी समय उसकी सांस चंगी हो गई, काम करने लगी। ऐसी कुछ समझ सकते हो आप इसको। तो डांटने डांटने के बाद आपको पानी गिलास लेना है, साफ पानी उसके अंदर डाल के उसको ब्लेस करना है, यीशु के खून की ताकत मांगनी है कि प्रभु जहां जाए खून छिड़कोगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, छुटकारे होंगे, गंधकार की शक्ति जलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और हम पूरे छुटकारे को पाएंगे, शांति चैन विश्राम आराम आएगा इस खून के द्वारा। प्रभु जैसे इस खून को छिड़कोगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, हम छुटकारे को पाएंगे। तो बोल बोलकर आपको छिड़कना है, छिड़कते 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 छिड़कते, जैसे आप सारे में छिड़क दो, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी छोटा सा बचा है, आप अगर आपको किसी को पिलाना तो पिला भी सकते हो, इसको 2 बॉटल में डाल के रखकर कल भी आप छिड़क सकते हो। लेकिन इसको मूर्ति नहीं बनाना, ध्यान रखना, इसकी पूजा पाठ या धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं करनी है, समझना। विश्वास आपका है, मेहनत आपकी है, काम परमेश्वर का है, ठीक है। आपको, आप उसको खाने पीने में मिला सकते हो, आप उसको कल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर उसमें खत्म होने वाला तो और मिला सकते हो, ठीक है। आप उसको रोज छिड़क सकते हो, जब भी आपको डर लग, जब भी आपको कुछ भी लग रहा है, आप तुरंत, अगर आप डर गए थे या कुछ भी लग रहा है, तुरंत उस पानी को लगा कर दोबारा से छिड़कना, मतलब अगले दिन फिर दोबारा छिड़क सकते हो। और लेकिन आपको भरोसा रखना है कि जो मैंने एक बार छिड़क दिया, मैं विश्वास करती प्रभु जब तेरा एक बार खून लग गया, छुटकारा हमारे घर में आ गया, तेरा खून छिड़क दिया दीवारों पर, बेड सोफा पलंग मेज कुर्सी पर, जगह जगह खाने पीने की वस्तुओं पर, किचन में, वॉशरूम में, या अपने बिस्तर पर, बेड पर, कपड़ों पर, जहाँ कहीं भी छिड़क दिया प्रभु, बड़े छुटकारे हो चुके हैं। आमीन। आपको भरोसा रखना, आप खुद अपने द्वारा आप छुटकारा पा सकते हो, प्रभु के लहू को, प्रभु के नाम वचन से, आप प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करके आप खुद ब खुद छुटकारा पा सकते हो, वो भी प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला खुदा है, लेकिन हमें हमें उस खुदा की अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है जो खुदा ने आपको और मुझे दी है। यीशु के लहू की सामर्थ को आपको और मुझे समझने की जरूरत है। हमें डरना नहीं है, तुरंत उन दुष्ट आत्मा को डांटना है, घुड़कना है, और उन दुष्ट आत्मा को जलाना है, अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है, और यीशु के लहू को छिड़कना है, ठीक है। उसके द्वारा आप नहा भी सकते, किसी को कोई दर्द पीड़ा थी, शरीर में प्रॉब्लम थी तो उसको पिला सकते हो, अगर कोई शरीर में तकलीफ परेशानी बीमारी थी तो आप उसको बाल्टी के पानी में थोड़ा सा एक ढक्कन डाल के फिर उसके द्वारा बंदा नहालेगा तो भी छुटकारे को देखेगा। ये विश्वास करना है आपको कि हाँ प्रभु तेरे लहू है, मैं विश्वास करते तेरे लहू से मैं नहाऊंगी तो सारी गंदगियां निकल जाएंगी, मैं शरीर प्रणाम में छुटकारा पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगी। आप विश्वास के साथ ऐसा करोगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और मनुष्य पर नहीं, और इन्हीं चीज़ों पे अटके मत रह जाना, भरोसा प्रभु पे करना, चाहे भले ही आपके पास पानी है या नहीं है, तेल है या नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन भरोसा प्रभु पर, अगर आपके पास पानी तेल वगैरह कुछ भी नहीं है ना, आप मुंह से भी बोलोगे खुदा तेरे लहू को लगाते बेड बिस्तर पर, तेरे लहू को लगाता हूँ सभी वस्तु वस्त्रों पर, तन मन धन पर, हमारे शरीर के अंगों पर, किचन पर, हमारे वस्त्रों पर, हमारे व्हीकल पर, तेरे खून को लगाता हूँ, हर एक अंधकार की शक्तियाँ छोड़े और जाएं, हर एक दुष्टात्माएं छोड़े और जाएं, जहाँ जहाँ तेरा लहू लगता है वहाँ से लांग के जाती है, कभी हमें टच नहीं कर पाते, निकल जाए हमारी जिंदगी से हर एक दुष्टात्माएं। अगर आपके पास तेल और पानी नहीं भी है तो आपको उसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अगर आएगा तो डालूंगी तो छिड़कूंगी, मिलेगा तो छिड़कूंगी, नहीं, स्पिरिचुअलिटी में चलना है आपको, आत्मिकता में चलना है, आपके शब्दों में पावर है। अगर आपके पास है पानी और तेल तो अच्छी बात है, छिड़क के कर सकते हो, अगर आप नहीं है तो आपको अपने मुंह से भी बोलोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का है, प्रभु ने कहा है मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, जैसा तो बोलेगी, जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। विश्वास कर कि तूने जो मुंह से लगा दिया लहू, लहू लगा दी, तूने छिड़क दिया दीवारों पर, बिस्तर पर, बेड पर, खाने पीने की वस्तुओं पर, तो सच में वो शुद्ध लगे, तुझे ये विश्वास करना है।
तो प्रभु उस विश्वास के द्वारा भी काम करेगा। आप लेटे लेट आप लेटे वो डर रहे थे, तुरंत लहू छिड़को, आत्मा में लहू छिड़क सकते हो प्रभु तेरे नाम से। मैं इसी समय मैं अभी अपने बिस्तर पर ही घुटनों के बल आके प्रार्थना में आती हूँ या बैठकर प्रार्थना करती प्रभु। प्रभु जैसी ही परिस्थिति थी ऐसी दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ मैं, हर तेरे लहू को मैं जगह जगह छिड़कती हूँ, मेरे दीवारों पर, मेरे बेड बिस्तर पर छिड़कती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा मेरे बिस्तर को छोड़े और जाए जो मुझे डरा रही थी, तेरे खून को छिड़कती हूँ, वो दुष्ट आत्मा सताई जाए, जलाई जाए और छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आपके विश्वास की बात है। अगर आपका ये विश्वास है कि आप सिर्फ लेटे बैठे बैठे भी प्रार्थना करोगे और दुष्ट आत्मा को डांटोगे, यीशु के लहू को छिड़कोगे मुँह से बोलने के द्वारा भी, तो वो दुष्ट आत्मा जलेंगी और सताई जाएंगी और आपको छोड़कर जाएंगी। जैसा आपका विश्वास वैसा आपकी ज़िंदगी में होगा। आमीन। डरना नहीं है आपको। अगर पानी और तेल नहीं है तब आप मुंह से भी बोलोगे तब भी काम करेगा खुदा। अगर आपके पास पानी और तेल है और आप लगाना चाहते हो और आप लगा सकते हो, आपके पास मौका अच्छा है, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। हमने दोनों तरीके अपनाने की कोशिश की है, समझना इस बात को। प्रभु आशीष जी आप सभी को। चैमस की कोशिश करना और डिपेंड इन चीज़ों पर मत होना, डिपेंड हमेशा खुदा पर होना, क्योंकि खुदा ही सब कुछ करता है। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को। चैमस की गॉड ब्लेस यू ऑल।